नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने राजस्व से जुड़े आला अधिकारियों की बैठक ली। राजस्व बढ़ाने पर विशेष फोकस रहा। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्वविवरणिका के रैंडम जांच राजस्व विभाग के अधिकारी करें, ताकि यह पता चल सके कि जो स्वविवरणी करदाता दे रहे हैं वह सही है कि नहीं। यदि गलत पाया जाता है तो अंतर की राशि का 5 गुना पेनल्टी के साथ ही आने वाले समय में बढ़ा हुआ टैक्स भी लिया जाएगा। अनाधिकृत विकास के दायरे में आने वाले, जिसमें बिना परमिट के भवन निर्माण करने वाले तथा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन का भी सर्वे होगा तथा अवैध निर्माण की जांच की जाएगी। इसके साथ ही भवन अनुज्ञा किस प्रयोजन से जारी किया गया है इसकी भी जांच की जाएगी। यदि आवासीय प्रयोजन के लिए भवन अनुज्ञा दिया गया है तथा इसका उपयोग व्यावसायिक रूप में किया जा रहा है तो इसकी भी जाँच होगी। निगम का पानी उपयोग करने के बाद भी जलकर नहीं पटाने वालों का भी सर्वे होगा। इन सभी पर सर्वे उपरांत नियम विरुद्ध होने पर तत्काल नोटिस जारी किया जाएगा तथा विधि संगत सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में इन सभी के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जोन आयुक्त अपनी टीम के साथ इस कार्य को करेंगे। अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के साथ ही अवैध कॉलोनी के नियमितीकरण की प्रक्रिया भी विस्तार से समीक्षा की जाएगी। बैठक में आर्किटेक्ट को कहा गया है कि इन कार्यों में विलम्ब न करें। जो कार्य आर्किटेक्ट को किए जाने हैं वह कार्य समय पर पूर्ण दस्तावेजों के साथ हो, ताकि प्रोसेस में अवरोध न हो। कुर्की वारंट जारी होने के बाद भी बकायादारों के द्वारा बकाया राशि नहीं देने पर सीधे सीलबंद की कार्रवाई की जाएगी तथा संपत्ति कुर्क करने की राशि की वसूली भी की जाएगी। देखिए, फैसला जो है अभी मीटिंग जो चल रही है और एक्चुअल में जो संपत्ति कर है राजस्व बढ़ाने को लेकर के ये मीटिंग समीक्षा बैठक है। इसमें जो कॉलोनी के नियमितीकरण की बात हो, चाहे अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण हो, भवन अनुज्ञा एक क्लिक में प्राप्त करने का जो योजना हो, इस योजनाओं पर समीक्षा माननीय महापौर जी और माननीय आयुक्त महोदय द्वारा की गई है। इसके साथ ही जो राजस्व बढ़ाने को लेकर जो टैक्सेशन है, जैसे रेंडमली जो चेक करना है 10% किसी की किसी ने एक्स्ट्रा तो नहीं बना लिया है और स्वविवरणी में उसने जो दिया है अपने खुद से असेसमेंट का डिटेल वो सही है या नहीं है, इसकी 10% जांच भी होगी। और यदि सत्य पाया जाता है स्वविवरणी तो उसमें 5 गुना पेनल्टी का जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर भी माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय ने जो है निर्देश बैठक में दिए हैं। और सर्वे होगा अनाधिकृत विकास, जो अवैध निर्माण और जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट है, जो अतिरिक्त विकास कर लिए हैं, अतिरिक्त निर्माण कर लिए हैं, उनको लेकर के सर्वे होगा, उनको नोटिस जारी किया जाएगा और उनको नियमितीकरण के दायरे में लाने का कोशिश किया जाएगा। और इसके लिए समस्त जोन आयुक्त जो है वीकली अभियान चलाएंगे। राजस्व को बढ़ाने के साथ ही देखिए लोगों को लाभ होगा। इसमें यदि नियमितीकरण हो रहा है किसी का तो ये जुलाई 2022 है वहाँ से लेकर 17 जुलाई 2023 तक के लिए समय है। अब ये जो समय है उसमें अधिक से अधिक लाभान्वित लोग हो पाएंगे, क्योंकि नियमितीकरण होगा तो उनको ही फायदा है, क्योंकि वो लीगल प्रोसेस पर रहेंगे, डर भाव खत्म उनसे हो जाएगा और वो ये चीज़ें जो हैं वो उनके लिए भी फायदेमंद है। और निगम का तो जो राजस्व है बढ़ना है वो प्रक्रियाओं पे ही है, वो तो इस प्रकार से जो टैक्सेशन वगैरह है उस पे ही ज़्यादा वाटर टैक्स हो गए पेंडिंग जिस पे इशू है और जिस पे हमको टैक्सेशन आना है, जिससे कमर्शियल किसी ने आवासीय बना लिया है, व्यावसायिक का उपयोग कर रहा है, आवासीय उसको प्रयोजन से दिया गया है, तो इस प्रकार का जो टैक्सेशन है उसको तो वसूलना ही होगा, उसके लिए भी बैठक में निर्देश दिए गए। बैठक में सभी जोन के राजस्व वसूली की बारी बारी से समीक्षा की गई। निर्यात कर, जल कर, यूजर चार्ज, दुकानों से प्राप्त होने वाले आय, सामयिक कर, शिक्षा उपकर, यूनिपोल एवं होर्डिंग से आय की समीक्षा गहन रूप से की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।